नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए जल्दी जल्दी। देखते हैं कौन बनाता है जल्दी। देखिए ये क्लास खत्म होने के 15 मिनट बाद बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर मेंस वाला पजल करेंगे। मेंस का बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं, मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे क्लर्क मेंस वगैरह में आते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसलिए क्लास मिस मत करिएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे सेकंड क्लास में, काफी सारे आ गए। कितने हैं अभी? 2500 से ऊपर है। आज कितनी क्लास है? बस ये लास्ट है, इसके बाद यूट्यूब पे होगी, बैंक प्रो चैनल पर, उसके बाद फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर, बस खत्म। मतलब मान के चलो कि डेढ़ डेढ़ दो बजे तक आप लोग फ्री हो जाओगे, उसके बाद फिर आप लोग दिन भर अपनी पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिन भर फिर कोई क्लास नहीं लूंगा, उसके बाद रात को एक आध यूट्यूब चैनल में फिर से ले लूंगा 9 बजे के आसपास, लेकिन पढ़ाई वाला नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कुछ सोच रहा हूँ आज क्या किया जाए। तो कुछ डाउट सेशन या ऐसा कुछ मोटिवेशनल सेशन आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। मेरा YouTube चैनल नेम है बैंकिंग क्रॉनिकल, टेलीग्राम पे भी बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सारे क्लास के लिंक वहीं पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ। सात बजे क्लास बोला था लेकिन नहीं ले रहा मैं, वो यूट्यूब पे ले लूंगा, ज्यादा क्लासेस हो जाएगी फिर। एक ही दिन में इतनी इतनी क्लासेस लेने से काफी सारे लोग नहीं आ पाते, दो क्लास मोर देन सफिशिएंट है। वैसे आने वाले आ जाते हैं बट फिर भी सभी को देखना पड़ता है। प्लस वाले यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स है, यस करिए एक बार। प्लस वाले कितने हैं भाई? 3000 स्टूडेंट्स में देखते हैं कितने लोग प्लस वाले हैं। जो भी प्लस वाले हैं यस कर दीजिए।
70%। बाकी अगर कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर कोई लेना चाहता है तो दोस्तों कोड यूज कर सकते हो आप लोग BC10 या AL10, BC10 या फिर AL10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं और एक्सेस पा सकते हैं सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस, सारे कोर्सेस का, पुराने हो चाहे नए हो। YouTube पे कहाँ होती है क्लास? देखो एक चैनल है बैंक प्रो, एक बैंक प्रो करके आप सर्च करोगे आपको एक YouTube चैनल मिल जाएगा, वहां पर मेरी क्लास होती है 12:30 बजे। हफ्ते में 4 या 5 क्लास में लेता हूँ वहां पर 12:30 बजे से, ठीक है। इसके अलावा मेरा चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल, टू पॉइंट जीरो करके दिख जाएगा, बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0। तो ये वाले चैनल पर करीब 2,30,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इस पर जो मेरी क्लास है इस पर कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब भी मुझे फ्री मिल जाता है मैं क्लास ले लेता हूं, तो इसलिए चैनल को ज्वाइन करके रखिए। चलिए 3,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को बनाते हैं। कितने लोगों का पजल बन गया भाई, जल्दी से यस कर दीजिए जिनका सॉल्व हो गया। ट्वेंटी लोगों का हुआ है। बैंक वाले एसएससी का क्लास नहीं देख सकते, उसका अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। पीओ के लिए बताओ सर। देखो सारी चीजों की तैयारी एक जैसी ही होती है, लेवल ऊपर नीचे होता है, तो आप हर लेवल की प्रैक्टिस करो ना मिनिमम। देखो इजी लेवल से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मॉडरेट करो, फिर हाई लेवल करो, तो ऐसे सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे एग्जाम आपके लिए एक ही तरह के से होते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि क्लर्क के लिए अलग से करना है, पीओ के लिए अलग से करना है। हाँ पीओ के लिए बस ये है कि एकदम एक्सट्रीमली हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको बनाना सीखना पड़ेगा। मैथ के लिए डीआई की क्लासेस मैंने ऑलरेडी चालू की हुई है, वो क्लासेस आप देख सकते हो। देखो बिना देखे अगर सोच लोगे, बिना देखे ही मतलब अगर आप ये बना लोगे ना कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो गलत है। आप देखो तो सही, मैं गारंटी देता हूँ 7 दिन तक क्लास देखो, 7 दिन के बाद आप कहीं और नहीं जाओगे, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। सिर्फ 7 दिन तक आप मेरी क्लासेस देखो, उसके बाद आप कहीं और नहीं जाओगे फिर मैथ्स के लिए। डीआई कहाँ करते हो? यूट्यूब पे करवाता हूँ, बैंकिंग क्रॉनिकल पे, इसके अलावा यहाँ प्लस पे मेरा डीआई का एक कोर्स चालू हुआ है, उसमें करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, काफी टाइम दे चुका हूँ मैं, करीब 8 मिनट हो चुके हैं, 8-9 मिनट हो चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते क्योंकि 4 पजल बनाने हमको इस क्लास में। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देर आर 8 टीचर्स JKLM PQR एंड S हु लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 8-फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड अबव इट इज फ्लोर नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8। दे टीच इन डिफरेंट क्लासेस 9 10 11 एंड 12 सच दैट ओनली 2 टीचर्स टीच इन सेम क्लास। सिर्फ 2 ही टीचर एक क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, टीचर हु टीच इन सेम क्लास लिव ऑन इवन ऑड फ्लोर्स। Teacher who teach in same class lives on even odd floors. That is one of those teaching in same class lives on odd numbered floor and the other of same class living on even numbered floor. इसका मतलब क्या है कोई बता सकता है? नाइन्थ क्लास में एक इवन एक ऑड, टेंथ क्लास में एक इवन एक ऑड, इलेवेंथ क्लास में एक इवन एक ऑड, ट्वेल्थ क्लास में एक इवन एक ऑड, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, के एंड आर टीच इन सेम क्लास।
द वन हु टीचेज इन क्लास 9 लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर। देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से बनाने कोई बता सकता है? नेवर स्किप पजल बनाओ भाई, नेवर स्किप पजल बनाओ इसको। चलो दोनों टाइप से बनाते हैं हम, दोनों टाइप से बनाते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर लेना, ठीक है? मैं दोनों तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं। यहां पर देखिए एक बार मैं फ्लोर वाला बना लेता हूं, ये हो गया 8 7 6 5 4 3 2 1, ये तो हो गया फ्लोर वाला। ठीक है, और फ्लोर से ही बनेगा, उससे नहीं बनेगा, फ्लोर से इजीली हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बन जाए वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये वाले में देखो भाई, यहां पर क्या है भाई, आपको चार क्लासेस दिख रही है, 9th 10th 11th और 12th। देखिए आपको यहां पर क्या बोला है, के एंड आर टीच इन द सेम क्लास, तो के और आर एक ही क्लास में पढ़ाते हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है, द वन हु टीचेज इन क्लास 9 लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर, तो क्लास 9th वाला जो है ये फोर्थ फ्लोर पर रहता है। द वन हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर टीचेज इन ऑड नंबर्ड क्लास, जो भी 6th फ्लोर वाला है वो ऑड नंबर की क्लास में पढ़ाता है, तो ऑड नंबर मतलब कि ये और ये, तो 6th फ्लोर यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, द वन हु लिव्स ऑन 2nd फ्लोर एंड एल टीच इन सेम क्लास, सेकेंड फ्लोर और एल वाला एक साथ पढ़ाते हैं, लिख देते हैं भाई यहां पर सेकेंड और एल। ठीक, अरे रुको तो सही, वेट तो करो थोड़ा, पहले कंडीशन पढ़ लेने, तो बाद में बताएंगे 9th और 11th में 11th ही क्यों होगा। जे टीचेज इन क्लास 11, जे जो है वो क्लास 11th में पढ़ाता है, यहां पर जे लिख देते हैं भाई, एंड लिव्स ऑन 5th फ्लोर, और ये 5th फ्लोर पर रहता है। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहां पर समझते हैं, आपको जब पता है कि एक में इवन और ऑड ही होना चाहिए, अगर क्लास 9th में सिर्फ इवन और ऑड फ्लोर ही हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर ऑलरेडी 4th फ्लोर वाला आ चुका है तो 6th फ्लोर वाला तो आ नहीं सकता, हाँ या ना भाई? अगर ऑलरेडी 4th फ्लोर वाला इवन फ्लोर होता है ना 4th, तो अगर ऑलरेडी इवन वाला आ चुका है, मतलब डेफिनेटली यहां पर ऑड वाला आने वाला है, 1 3 7 उसमें से कोई एक, तो डेफिनेटली यहां तो ऑड ही आएगा ना, तो ये 6th यहां पर नहीं आ सकता, यहां नहीं आएगा, मतलब डेफिनेटली 6th वाला यहां पर आएगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, ओनली 2 टीचर्स लिव बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर्स रहते हैं। एम डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, एम जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता। Only one teacher lives between P and R. P और R के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है। Both of them lives on even numbered floor. ये दोनों ही even number के फ्लोर पर रहते हैं। There are 2 teachers live between the one who teaches in class 12th and Q. तो 12th और Q के बीच में कितने हैं? 2 teachers हैं। Q who lives above the one who teaches in class 12th. Q जो है वो ऊपर रहता है 12th वाले के। Both teachers who teaches in class 12th live above the floor of L. Both teachers who teach in class 12th live above the floor of L. तो L के फ्लोर से ऊपर रहेंगे कौन? 12th वाले दोनों पर्सन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा, हाँ जिससे भी इजी पड़े आपको आप ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी इसमें प्रैक्टिस होती है उसको इससे आसान लगता है, जिसकी इसमें प्रैक्टिस होती है उसको इसमें आसान लगता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको यहां पर बोला क्या है भाई, जे जो है वो 5th फ्लोर पर रहता है, चलो जे को यहां पर बना लेते हैं 5th फ्लोर पे, और ये कौन सी क्लास में पढ़ाता है? 11th क्लास में पढ़ाता है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, 6th फ्लोर वाला जो है वो भी जे के साथ होना चाहिए, मतलब कि 6th फ्लोर वाला भी 11th पे पढ़ाएगा। ठीक है ना, 4th वाला जो है, 4th फ्लोर वाला वो 9th क्लास में पढ़ाता है, तो 4th फ्लोर वाले में 9th आप लिख सकते हो। और आपको क्या बोला है भाई, 2nd फ्लोर वाला और एल
ये दोनों सेम क्लास में पढ़ाते हैं, सेकंड फ्लोर वाला और एल दोनों सेम क्लास में पढ़ाते हैं, और एल के ऊपर दोनों ही ट्वेल्थ वाले हैं, तो एल तो ट्वेल्थ हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, एल के ऊपर ही ट्वेल्थ वाले दोनों हैं तो एल तो ट्वेल्थ हो नहीं सकता भाई, एल यहां पर तो आ नहीं सकता, यहां पर भी आ नहीं सकता, क्या आ सकता है यहां पर जल्दी बताओ, नहीं आ सकता ना, ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखते जाइए, अभी सब समझ में आएगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, रुक जाओ थोड़ी देर, बहुत इजी है और मस्त पजल है। देखो भाई आपको जब बोला है ना कि सेकंड फ्लोर वाला और एल दोनों एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, सेम क्लास में ये लोग पढ़ाते हैं, तो भाई सेकंड वाले के साथ सिर्फ ऑड ही हो सकता है, मतलब एल डेफिनेटली ऑड नंबर के फ्लोर पर होगा, एल डेफिनेटली ऑड नंबर के फ्लोर पर होगा, फिफ्थ पे हो नहीं सकता, सेवेंथ पे भी नहीं हो सकता एल, क्यों मीन्स नहीं है प्रिय, सेवेंथ पे भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एल के ऊपर ट्वेल्थ वाले दोनों हैं, बोथ ट्वेल्थ वाले, यही बोला है ना यहाँ पर, ये देखो बोथ टीचर्स हु टीच इन क्लास ट्वेल्थ लिव अबव द फ्लोर ऑफ एल, इसका मतलब क्या है कि एल जो है वो सेवेंथ पे भी नहीं हो सकता, तो आपके पास एल के लिए कौन कौन सी जगह बचती है, या तो एल यहाँ आ सकता है या तो एल यहाँ आ सकता है, और तो कोई जगह नहीं बच रही आपके पास, नहीं दिख रही ना, समझ नहीं आया फिर से रिपीट करना है, चलो ठीक है फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, ध्यान से देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि जे वाला जो है वो फिफ्थ फ्लोर पे है, हमने ये जे वाले को फिफ्थ फ्लोर पे बना लिया, ठीक है, और ये कौन सी क्लास में पढ़ा रहा है, इलेवंथ क्लास में पढ़ा रहा है ना, तो यहाँ पर हमने इलेवंथ लिख दिया, अब जे वाले के साथ कौन है, ये सिक्स्थ वाला है, तो सिक्स्थ वाला जो है ये भी इलेवंथ क्लास में पढ़ाएगा, ये भी हमने लिख दिया, ठीक। अब यहां पर देखो दोस्तों ये छह और पांच का एक कॉम्बिनेशन बन चुका है, कॉम्बिनेशन बनाते रहो, बनाते जाओ, आपको बहुत आसान पड़ेगा, देखो ये एक कॉम्बिनेशन आपका ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले के साथ एल होना चाहिए, तो या तो थ्री के साथ टू होगा या तो टू के साथ वन होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, या तो थ्री और टू का कॉम्बिनेशन बनेगा या तो वन और टू का कॉम्बिनेशन बनेगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई एल वाला जो है वो सेकंड फ्लोर वाले के साथ में काम करता है, पढ़ाता है, टीच मतलब पढ़ता है, जो भी है। आगे देखो दोस्तों और कौन सी आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है, भाई एल के ऊपर ट्वेल्थ वाले दोनों आपको दिखने चाहिए, तो एल के ऊपर अगर आपको ट्वेल्थ वाले दोनों दिखने चाहिए तो आप कहां पर ले सकते हो ट्वेल्थ वाले दोनों, क्यू बारह रखो, हाँ बिल्कुल क्यू बारह को भी रख सकते हैं भाई, देखो आप दोनों ट्वेल्थ तो यहां पर ले नहीं सकते, दोनों ट्वेल्थ तो यहां पर ले नहीं सकते ना भाई, सिंपल सी चीज है, समझो इस बात को, आपको एक ही ट्वेल्थ लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 12 से 2% छोड़कर ऊपर क्यू है, 12 से 2% छोड़कर ऊपर क्यू है, ठीक। अब अगर मुझे इसको रखना है तो मैं रखूंगा कैसे, देखते जाना ध्यान से, 12 से 1 2 छोड़कर क्यू रखना है, 12 से 1 2 छोड़कर क्यू रखना है, अगर मैं 12 को यहां रखूंगा तो 1 2 छोड़कर क्यू यहां हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, मतलब 12 को मिनिमम यहां पर तो मुझे लेना ही पड़ेगा, और तो कोई जगह नहीं दिख रही मुझे, एक 12th को तो यहां लेना ही पड़ेगा ना भाई, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, एक 12th को तो मुझे यहां पर लेना ही पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्यू 12 से ऊपर तीन होने चाहिए, अगर मैं 12th को यहां लूंगा तो तीन ऊपर दिख रहे हैं क्या, नहीं, अगर मैं 12th को यहां लूंगा तीन ऊपर दिख रहे हैं क्या, नहीं, यहां पर 12th को लेना ही पड़ेगा, कन्फर्म है, अगर मैं यहाँ पर देखो रख देता हूँ भाई तब आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, अगर मैं 12th को यहाँ रखूंगा, आपको बोला है ना 12th वाले जो दोनों पर्सन है वो L से ऊपर है, तो L यहीं पर हो गया, फिर कंफर्म हो गया, क्योंकि L के ऊपर ही 12th होगा, अच्छा यहाँ पर 12th ले सकते थे क्या, नहीं ले सकते थे यहाँ पर 12th, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई दो छोड़ के यहाँ क्यू कैसे आता, फिर यहाँ तो जे है ना, एक ही जगह है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, 12th यहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, तो 12th से दो छोड़कर क्यू यहां पर हो गया, अब जब पता है 12th वाला L से ऊपर है तो डेफिनेटली L के लिए ये और ये जगह थी, तो यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि L के ऊपर 12th है, तो L यहां पर हो गया, इसके ऊपर 12th दिख रहा है, हो गया। अब देखो ध्यान से, आपको जब पता है, आपको एक चीज पता है कि एक ही क्लास वाले जो है वो इवन ऑड में होने चाहिए,
एक ही क्लास वाले इवन ऑड में होने चाहिए। तो अगर एक ट्वेल्थ वाला 3 पे आ चुका है तो डेफिनेटली दूसरा ट्वेल्थ वाला कहाँ पर आना चाहिए, ऑड में आना चाहिए, ये सॉरी ऑड पे आ चुका है। तीन तीन मतलब क्या है भाई, थर्ड फ्लोर मतलब ऑड। तो अगर एक ट्वेल्थ वाला आपका ऑड पे आ चुका है तो एक आपको इवन ही चाहिए। अब इवन आपको कहां पर दिख रहा है, खाली जिसको नहीं समझ में आ रहा वेट करो ना, फिर से रिपीट करूंगा ना, एक बार बनने तो दो पहले क्वेश्चन, पहले समझ तो आए कि किस तरीके का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से रिपीट करूंगा ना, काहे टेंशन ले रहे हो। 2 और 8 आपके पास दिख रहे हैं भाई, या तो ट्वेल्थ यहां पर होगा या तो ट्वेल्थ यहां पर होगा, और तो कोई जगह नहीं दिख रही आपको, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना यहां पर, जब आपको यहां पर पता है दोस्तों एक चीज, सेकंड वाला एल के साथ, ध्यान से देखो, जब आपको दिख रहा है कि सेकंड वाला एल के साथ है, समझना इस चीज को, सेकंड फ्लोर वाला एल के साथ है सेम क्लास में, मतलब ये दोनों क्लासेस सेम होनी चाहिए, तो इसको ट्वेल्थ कैसे रख सकते हो। अगर जब पता है कि भाई एल वाला सेकंड वाले के साथ सेम क्लास में पढ़ रहा है, ये वाला बंदा इस वाले बंदे के साथ सेम क्लास में पढ़ रहा है, तो अगर यहाँ ट्वेल्थ रख दोगे तो भाई ट्वेल्थ तो ये है ना, ट्वेल्थ और ट्वेल्थ तीन तीन ट्वेल्थ थोड़ी ना है, समझ में आया। इसीलिए आपका ट्वेल्थ यहीं पर होगा कंफर्म, ये ट्वेल्थ को यहां पर रख दिए। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जो लोग भाग रहे हैं भाई भागने दो, जो नहीं भाग रहे वेट करना, समझ में आएगा सब आसानी से, बहुत इजी है, दिमाग का खेल भाई, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल। अब आपके पास क्या बच गया है दोस्तों, अब आपके पास 10th बचा है। देखो एक 9th यहां पर हो चुका है, आपको जब पता है एल वाला और सेकंड फ्लोर वाले दोनों सेम क्लास में हैं, तो 9th तो यहां हो चुका है ना भाई, यहां पर दोनों कौन सी क्लास बच रही है, एक ऐसा क्लास जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। 9th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, बचा क्या था आपके पास, क्या बचा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 10th बचा है। ये हो गया आपका 10th, ये भी हो गया 10th, तो 9th के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची, 9th हो गया यहां पर। अब देखो आपके पास क्या बचा भाई, ये वाली कंडीशन हो गई थी, और क्या बचा है आपके पास, देखो पी और आर इवन पे होने चाहिए, ये कंडीशन आपकी हो चुकी है, के और आर साथ में होने चाहिए एक ही क्लास में, के और आर एक ही क्लास में होने चाहिए, तो के और आर के लिए आपके पास कौन सी जगह बच रही है। अगर ये दोनों इवन है मतलब डेफिनेटली अलग अलग क्लासेस में होंगे भाई, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये और ये इवन पे हैं मतलब डेफिनेटली अलग अलग क्लासेस पे होंगे, 1% छोड़कर इवन इवन कहां पर दिख रहा है, सिर्फ यही दिख रहा है, और तो कोई जगह दिख नहीं रही ना, नहीं दिख रही ना, यही दिख रहा है पी और आर के लिए। अब आपको ये भी पता है कि आर और के का सेम क्लास होना चाहिए, तो आप आर को यहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आर को 10th पे रख दोगे तो आर के साथ तो के होना चाहिए था 10th में, इसलिए डेफिनेटली आप आर को यहां पर रखोगे ताकि के यहां पर आ जाए, इसके साथ रख दो भाई आर को यहां पर, 9th क्लास में है आर तो के भी 9th क्लास में होगा, ये के हो गया 9th क्लास में। बचा क्या था, आर से एक छोड़कर पी यहां पर रखना था, पी से दो छोड़कर जे रखना था, ये देखो पी से दो छोड़कर जे दिख रहा है, और कौन सी कंडीशन बच गई आपके पास, क्या बचा है भाई जल्दी बता दो क्या बचा है। एम देखो टॉप पे नहीं हो सकता, एम यहां पर आ गया, जो बच गया क्या बचा भाई आपके पास, क्या बच गया, एक नाम एस बचा है, एस को यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व खत्म। अच्छा आप जी कितने लोगों को समझ में आया, वो लोग यस कर दीजिए जिनको समझ में आ गया, लोगों को आ गया, बाकी लोगों को नहीं आया, तो वेट करिए दोस्तों एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, ठीक है, या फिर चलो पहले रिपीट कर लेते हैं यार फटाफट, ताकि जिनको नहीं आया, जिनको आ भी गया है आप लोगों का भी थोड़ा सा रिविजन हो जाए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा पहले कभी, ठीक है, तो इसलिए इसको एक बार फटाफट रिपीट करते हैं, क्लास से भागिएगा मत, भगोगे तो अगला क्वेश्चन मिस कर जाओगे, इसलिए भागना नहीं है। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर देखो, देयर आर 8 टीचर्स जे के एल एम पी क्यू आर एंड एस हु लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ 8 फ्लोर बिल्डिंग, 8 फ्लोर बना लेते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अब देखिए आपको बोला क्या है यहाँ पर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, अबाउट इज 2, सो ऑन, ठीक है, इन लोग अलग अलग क्लास में पढ़ाते हैं, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। अब यहां पर देखो एक इवन एक ऑड, भाई एक इवन एक ऑड होना चाहिए, आपको बोला है यहां पर, क्या बोला है, सच दैट ओनली 2 टीचर्स टीच इन सेम क्लास, दो ही टीचर पढ़ाते हैं,
टीचर्स हु टीच इन सेम क्लास, मतलब अगर नाइन्थ में पढ़ाने वाले जो दो टीचर्स हैं लिव ऑन इवन ऑड फ्लोर्स, मतलब कि वन ऑफ दीज टीचर इन सेम क्लास लिव ऑन ऑड फ्लोर एंड द अदर ऑफ सेम क्लास लिव ऑन इवन फ्लोर, मतलब एक इवन पे होगा एक ऑड पे होगा, टेंथ वाले में भी एक इवन पे होगा एक ऑड पे होगा, इलेवंथ वाले पे भी एक इवन पे होगा एक ऑड पे होगा, ट्वेल्थ वाले पे भी एक इवन पे होगा एक ऑड पे होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, के एंड आर टीच इन सेम क्लास, भाई क्लास सेम है, लिख देते हैं यहाँ पर क्लास सेम किसकी किसकी, के और आर की, एक ही क्लास होनी चाहिए या तो नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ दोनों में चारों में से कुछ भी हो सकता है। The one who teaches in class 9 lives on fourth floor. Class 9 वाला जो है ये fourth floor पे है, तो fourth floor पे यहाँ पर ninth लिख देते हैं। अभी एक even आपका हो गया यहाँ पर चार, fourth ये यहाँ पर मैं सिर्फ floors लिखूंगा, ठीक है ना, floor पे ध्यान देना, चार floor वाला यहाँ पर already हो चुका है, ठीक। आगे आपको क्या बोल रहा है, The one who lives on sixth floor teaches in odd numbered class. तो odd number की class कौन सी हो गई भाई, sixth floor पे, sixth floor एक even है भाई, odd वाले पे आपको रखना है even, ये देखो ऑड वाले क्लास में आपको इवन वाला फ्लोर रखना है, तो यहां तो ऑलरेडी एक हो चुका है ना इवन, इस वाले पे तो रख नहीं सकते ऑड पे, यही वाली क्लास ऑड वाली दिख रही है आपको, सिक्स यहीं पर हो सकता है, हाँ या ना जल्दी बताओ, होगा ना सिर्फ यहीं, बस वही चीज है। देखो क्या बोल रहा था, द वन हु लिव्स ऑन सिक्स्थ फ्लोर टीचेस इन ऑड नंबर्ड क्लास, तो जो भी सिक्स क्या बोल रहा है सिक्स्थ फ्लोर पे रहता है वो ऑड नंबर की क्लास में है, तो ऑड नंबर की क्लास सिर्फ आपको इलेवेंथ दिख रही है क्योंकि सिक्स्थ जो फ्लोर है वो एक इवन नंबर का फ्लोर है, तो इस जगह पे हमको सिर्फ यही तीन जगह दिख रही थी जहां पर आप सिक्स रख सकते हो और उसमें से ऑड वाली क्लास सिर्फ यही दिख रही थी, तो सिक्स यहां पर रखे, मतलब इलेवेंथ आपका फिक्स हो गया यहां पर। आगे क्या बोल रहा है आपको, द वन हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर एंड एल टीच इन द सेम क्लास, भाई सेकंड फ्लोर वाला और एल जो है वो एक ही क्लास में है, सेकंड फ्लोर वाला और एल एक ही क्लास में है, तो यहां पर लिख देते हैं हम सेकंड और एल, ये दोनों साथ में सेम क्लास में होंगे, सेम क्लास मतलब डेफिनेटली एल जो है ये ऑड होगा, क्यों, क्योंकि भाई सेकंड फ्लोर वाला एक इवन ऑलरेडी हो चुका है तो डेफिनेटली एक ऑड होगा ना। आगे क्या बोल रहा है आपको, जे टीचेस इन क्लास 11, जे जो है वो क्लास 11 पे पढ़ाता है एंड लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, तो क्लास 11th पे ये फिफ्थ फ्लोर वाला हो गया, फिफ्थ फ्लोर वाला ये हो गया जे, इलेवेंथ हो गया, ये हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आगे क्या बोल रहा है, ओनली टू टीचर्स लिव बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो टीचर्स रहते हैं, पी और जे के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो टीचर्स रहते हैं। एम डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, एम जो है टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता। Only one teacher live between P and R. Both of them live on even numbered floor. P और R के बीच में एक ही मतलब फ्लोर है और ये दोनों ही even वाले फ्लोर पर रहते हैं। There are two teachers live between the one who teaches in class 12th and Q. 12th और Q के बीच में, 12th और Q के बीच में दो लोग हैं। Q who lives above the one who teaches in class 12th. तो Q जो है वो 12th वाले के ऊपर है, तो इसको ऐसा बना लेते हैं, Q जो है वो 12th वाले के ऊपर है। आगे क्या बोल रहा है, बोथ टीचर्स हु टीच इन क्लास 12th लिव अबाउट द फ्लोर ऑफ एल, एल के ऊपर ही बोथ 12th वाले दोनों रहेंगे, 12th वाले दोनों ही एल के ऊपर रहेंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या सेट करना है आपको, भाई आपको पता है कि एल जो है वो एक ऑड नंबर के फ्लोर पर है और एल के ऊपर दोनों 12th वाले होने चाहिए, एल के ऊपर दोनों 12th वाले होने चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, यहां पर देखना, कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एल के ऊपर दोनों 12th वाले होने चाहिए और 12th के दो ऊपर दो छोड़कर क्यों, तो देखिए भाई आप 12th को कहां पर रख सकते हैं, आप यहां पर 12th को रख नहीं सकते, इस वाले 12th की बात कर रहा हूं ना, इस वाले 12th की जिससे दो छोड़कर ऊपर क्यों है, आप इस वाले 12th को यहां नहीं रख सकते क्योंकि दो छोड़कर ऊपर कोई जगह नहीं है, यहां भी आप 12th को नहीं रख सकते क्योंकि दो छोड़कर ऊपर कोई जगह नहीं है, इस पे ऑलरेडी 11 11 9 आ चुका है, आप यहां पर 12th को रख सकते हो क्या, बिल्कुल रख सकते हो, तो दो छोड़कर क्यों यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आप यहां पर 12 को रख सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि दो छोड़कर क्यों नहीं आ पाएगा, तो सिर्फ एक यही जगह दिख रही थी, यहां पर आप 12 रख नहीं सकते, क्यों, L के ऊपर होना चाहिए, तो L के ऊपर होना चाहिए तो भाई लास्ट पे कैसे रखोगे, L कहां नीचे पताल लोक पे डालोगे, इसीलिए आप 12 को यहां नहीं रख सकते, तो सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची 12 के लिए, सबसे पहले इसको सेट कर दो आप, ये हो गया 12th, दो छोड़कर ये हो गया क्यों, ठीक, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहां पर ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, आप लोगों को और क्या चीज दी हुई है, आपको जब ये चीज पता है कि 12th के साथ
ये देखो, ये इस चीज को समझना ना, आपको पता है ना कि L, L कहां रखना पड़ेगा? अब आपको L कहां पर रखोगे? चलो इवन वाला पहले सेट कर लेते हैं, चलो उसको पहले सेट कर लेते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है ना भाई, P और R दोनों इवन पे होने चाहिए, P और R दोनों इवन पे होने चाहिए। आपके पास यही दो जगह दिख रही है इवन की, एक छोड़ के फ्लोर में, और तो कुछ दिख नहीं रहा। अभी देखो आठ और छह में तो छह पे क्यू है, छह और चार में तो छह पे तो क्यू है, चार और दो में तो यहां पर रख सकते हो पी और आर को, रख सकते हो ना पी और आर को। चलो मैं यहां पर दोनों को अभी ऑब्लिक बनाकर रखता हूं, पी और आर, पी और आर, ध्यान दीजिएगा भाई इसको, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर यहां पर पी और आर में से कोई एक आने वाला है तो डेफिनेटली एल यहीं पर आएगा, क्योंकि एल के ऊपर ट्वेल्थ वाला होना चाहिए था, तो एल तो फिक्स हो गया ना, यहां पर फिक्स हो गया वन वाले पे, एल जो है वो वन वाले पे फिक्स हो गया। अब बचा क्या है आपके पास, ये देखो ये ट्वेल्थ वाली क्लास जो है ये तीन वाले पे है, थर्ड फ्लोर, ट्वेल्थ वाली क्लास थर्ड फ्लोर, यहां पर लिख देता हूं मैं एक ऐसा। क्यू वाली क्लास जो है इलेवेंथ, ये तो हो चुका है। जे वाली क्लास फिफ्थ, ये भी हो चुका है, फोर्थ भी हो चुका है। सेकंड पे पी और आर, ठीक है वो बाद में करेंगे। अब देखो और इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, जब आपको दिख रहा है कि के और आर सेम क्लास में होने चाहिए, सोचिएगा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भाई। जब आपको पता है कि P और R जो है वो यहीं पर होने वाले हैं, ध्यान से देखना, P और R में से ये दोनों यहीं पर होने वाले हैं ना भाई, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो P से J दो फ्लोर की गैप में होना चाहिए भाई। J से P यहाँ हो सकता है क्या? नहीं, आपको डेफिनेटली J से P यहीं पर रखना पड़ेगा, रख दो भाई उसको। अगर यहां पर P कंफर्म हो गया तो R यहां पर कंफर्म हो गया, हो गया ना कंफर्म। अब देखो आपको बोला क्या है भाई कि L जो है और सेकंड फ्लोर वाला सेम क्लास में पढ़ते हैं, L और सेकंड फ्लोर वाला सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो इनके फ्लोर क्या है, वन और टू। भाई यहां पर ऑलरेडी थ्री आ चुका है, यहां छह और पांच आ चुका है, यहां चार आ चुका है, सिर्फ यही तो जगह बची ना वन और टू के लिए, रख दो भाई। ये टू, ये वन हो गया, तो टेंथ क्लास है, पता चल गया ये दोनों टेंथ क्लास वाले हैं। अब देखो आपके पास और क्या बच रहा है, देखो इसके बाद क्या बच रहा है भाई, ये सब कुछ हो चुका है आपका। K और R की क्लास सेम होनी चाहिए, K और R की क्लास सेम होनी चाहिए भाई। R आपको पता है इवन वाला है, तो K डेफिनेटली मतलब नाइन्थ भाई, आपको ये फोर वाला पता है ना, ये फोर वाला कहाँ है, यहां पर है ना, तो नाइन्थ क्लास में डेफिनेटली अब आपको एक ऑड चाहिए, तो ऑड आपको कौन सा दिख रहा है, नाइन्थ क्लास में भाई। थर्ड वाले में तो ट्वेल्थ है, तो डेफिनेटली सेवेंथ वाला दिख रहा है आपको, जिसमें आप नाइन्थ क्लास को रख सकते हो। तो बचा क्या, अब एक ट्वेल्थ ही और बचा था, ट्वेल्थ को यहां पर रख दो, हो गया भाई। ट्वेल्थ वाला आठ, ट्वेल्थ वाला ये आठ, नाइन्थ वाला सात, ये नाइन्थ वाला ये सात। अब नाम की अगर हम बात करें यहां पर, तो नाम कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, के और आर की सेम क्लास होनी चाहिए थी, के और आर की सेम क्लास होनी चाहिए थी, तो नाइन्थ क्लास वाले हैं दोनों के दोनों, चार और सात, चार और सात, तो यहां पर आ जाएगा के। अब M अगर यहाँ टॉप पे नहीं आ सकता, तो M सिर्फ यहीं पर आ सकता है, बचा था S, उसको यहाँ रखो, क्वेश्चन सॉल्व। बढ़िया था ना पजल, मजा आया कि नहीं, थोड़ी तारीफ कर दिया करो भाई, फिर इधर उधर जाके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो फिर लोग बोलते प्रमोशन कर रहे हैं, आप लोग बोलोगे तो कम से कम ये नहीं रहेगा ना प्रमोशन कर रहे। मेन क्या होता है पता है, लोगों को ना जलन महसूस होती है कि वो ऐसे पजल बना नहीं पाते हैं, तो जलन होती है, फिर ये नहीं कि आके सीख ले, वो दूसरों को भी रोकते हैं भाई, मैं नहीं सीख पा रहा तो उनको भी रोक देता हूं मैं, मतलब वो चतुर रामलिंगम वाला हिसाब है थ्री इडियट के, खुद नहीं पढ़ सके तो दूसरों को भी रोक दो। चलिए अगला एक क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, जल्दी से बनाइए, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा चतुर नहीं था क्या वो, क्या नाम था उसका, साइलेंसर। चतुर ही था,
दोस्तों जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा BC10 या फिर AL10। कभी कभार टेक्निकल इश्यू की वजह से कोड काम नहीं करता है, तो कोई सा भी कोड आप लगा लो, दोनों सेम ही है, ठीक है। BC10 या AL10 दोनों ही मेरे कोड है। अगर आप मुझसे पढ़कर अगर आपको अच्छा लगा और आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल इन्हीं कोड का इस्तेमाल करिए। और मेरे दो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं प्लस पे प्री के। एक तो चल रहा है 100 DI वाला कोर्स, जो कि मैथ्स में बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिगिनर्स के लिए यूजफुल है बहुत ज़्यादा, और जो बिगिनर नहीं है वो भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा कंप्लीट रीजनिंग का भी एक कोर्स चालू हो चुका है, इसमें अभी सिर्फ 3-3 क्लास हुई है, तो आप मिस ज़्यादा कुछ नहीं किए हो, आप चाहो तो इनको कंटिन्यू कर सकते हो। 2 जुलाई से एक और नया बैच आने वाला है, जुलाई से 2 जुलाई, तो आप ये वाले दोनों कोर्सेज के साथ साथ इस कोर्स को भी फिर स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। मेंस के भी अभी मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं हाई लेवल के, तो अगर आप मेंस के ये 2 कोर्सेज देखना चाहते हैं तो ये रात को होती है क्लासेस, लेकिन हफ्ते में सिर्फ दो दिन क्लास होगी रात में। बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा। और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो तो स्टूडेंट्स जो प्लस वाले हैं वही आपको बता देंगे भाई, उसके लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्लस वाले जो पढ़ते हैं प्लस पे वही आपको सही गाइडेंस दे देंगे भाई, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। कितने लोगों से हो गया यस कर दो। डीआई का क्लास नहीं हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे होती है, 3 दिन होती है क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। सिर्फ 37% लोगों से बना है ये। देखिए यहाँ पर क्या करना था दोस्तों, इसको समझते हैं हम। 8% MNOPS DF and W are sitting in a circular table, 2% are facing towards center and other are facing outside from the center। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 2% are facing towards the center, मतलब inside देख रहे हैं, बाकी के जो 6 लोग होंगे वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। M sits second to right of D, M जो है वो second to right में बैठा है D के। D who sit immediate left of S, D जो कि immediate S के left में बैठा है। There are 3 person sit between W and F, W और F के बीच में 3 person है, इसका मतलब क्या हो गया, W और F आमने सामने हो जाएंगे। F who is not an immediate neighbor of M, F जो कि M का immediate neighbor नहीं है। N sits third to right of the person who sits opposite to the person who is immediate left of D. क्या बोला है भाई यहाँ पर, immediate left of D मतलब कि ये वाला person की बात कर रहा था। अब आगे क्या बोला है पढ़ लेते हैं। N sits third to the left of person who sits opposite to the person who is immediate left of D. मतलब immediate left of D में जो भी person है, इसके opposite में जो भी person बैठा हुआ है, ठीक है, उसके third to right में कौन बैठता है, N बैठता है। तो इसके third to right मतलब first, second और ये N हो गया यहाँ पर, ऐसा ऐसी बनेगा, हाँ या ना एक बार बता दो जल्दी से। चलिए आगे क्या बोल रहा है आपको, F and P are immediate neighbors of O, F और P जो है वो O के immediate neighbors हैं। M and W are facing same direction as S are facing, तो M, W और S तीनों का direction same हो जाएगा, M, W, S तीनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना। अब देखिए दोस्तों, जब आपको पता है कि 2 लोग ही इनसाइड देख रहे हैं तो ये 3 लोग इनसाइड कैसे देख सकते हैं, जब आपको पहले ही बोल दिया कि 2 लोग ही इनसाइड देख रहे हैं तो ये 3 के 3 इनसाइड कैसे देख सकते हैं, तो ये सभी के सभी आउटसाइड फेस कर रहे होंगे ना। चलो आप सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये बना लिया हमने सर्कल, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है आपको। चलिए कहां से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, कोई कंडीशन बता सकते हो जिससे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। डी से स्टार्ट कर सकते हैं भाई, डी को किस तरफ लोगे अगर आप डी से स्टार्ट कर रहे हो, तो
देखो जिससे स्टार्ट करोगे अगर उसकी कंडीशन आपको नहीं पता है कि किस तरफ देख रहा है तो इनसाइड मानना है आपको हमेशा, ठीक है। जब आप किसी भी चीज से चालू कर रहे हो और आपको अगर उसका डायरेक्शन नहीं पता है तो आपको हमेशा इनसाइड मानकर करना है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज, फिर से बता रहा हूँ, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है एक तरह से, आप ये मान सकते हो सर्कल में। क्या मिनिमम पॉसिबिलिटी है भाई, कि जब आप किसी भी चीज से स्टार्ट कर रहे हो और उसका डायरेक्शन आपको नहीं पता है तो हमेशा इनसाइड मानकर चालू करना है, जब तक आपको ऐसा ना दिया हो कि आठों पर्सन बाहर देख रहे हैं। भाई अब आठों बाहर देख रहे हैं तो फिर तो बाहर लेना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी है वो तो हमारी, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे भाई हम यहाँ पर, हम सबसे पहले ये ले लेते हैं डी को। तो भाई डी जो है मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये हो गया डी, ये हो गया आपका डी, इसको मैं इनसाइड की तरफ फेस करा देता हूँ। अब डी बैठा कहाँ है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और एस जो है ये आउटसाइड फेस कर रहा है, मतलब कि पहले तो आठ पर्सन बना देते हैं। एस यहां पर आएगा बाहर की तरफ देखेगा क्योंकि इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा है, होगा ना ऐसा। और आपको पता है डी से राइट की तरफ में एम है, तो डी से एक पर्सन छोड़कर राइट की तरफ में एम है, ये दो कंडीशन हमने सेट कर दिया। अब क्या बोला है भाई, देखो डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है उसके सामने वाला पर्सन, डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है उसके सामने वाला पर्सन मतलब इसकी बात कर रहा है, इसके थर्ड टू राइट में एन है। तो भाई अगर ये बाहर देख रहा होगा तो इसके फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में एन यहां पर कैसे आ सकते हैं, तो डी है ना। देखो फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, डी के इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन के ऑपोजिट, डी के इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन के ऑपोजिट, तो ये वाला पर्सन हो गया डी के इमीडिएट लेफ्ट के ऑपोजिट, इसके थर्ड टू राइट में एन है, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट, यहां तो डी है भाई, एन कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना, मतलब डेफिनेटली राइट इसका इस तरफ होगा। तो अगर इसका राइट इस साइड हो रहा है मतलब ये अंदर की तरफ देख रहा होगा तभी तो राइट इस तरफ होगा, बना दो भाई अंदर की तरफ इसको ऐसा, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट एन यहां पर हो गया। अब लगा दो भाई प्लस क्रॉस का कंसेप्ट, प्लस क्रॉस का कंसेप्ट कितने लोगों को पता है भाई, यस कर दीजिए, जिनको नहीं पता नो कर दीजिए जल्दी से, यस और नो। सर्कुलर रेक्टेंगुलर में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, खासकर उस कंडीशन में जिसमें आपको ये ऐसा दिया होता है कि ये दोनों आमने सामने है। 32% लोगों को नहीं पता, पुरानी क्लासेस पूरी देखिए भाई, इसके कितने सेट हो चुके हैं, 13 सेट हो चुके हैं पूरे 1000 पजल सीरीज के। अगर आप पजल सीखना चाहते हैं सारी चीजें, पजल में बहुत कुछ होता है, आप लोगों ने शायद अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। पजल्स में ऐसी हजारों चीजें होती है सीखने वाली, बट नहीं सिखाते, ठीक है ना। तो सीखना है अगर पूरी क्लासेस शुरुआत से देखो। यहां पर प्लस और क्रॉस का कंसेप्ट क्या होता है भाई, एक सर्कल के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्लस यानी कि ये, और एक होता है क्रॉस यानी कि ये, आठ लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है ना। या फिर रेक्टेंगुलर में भी ऐसा ही होता है, रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे तो क्रॉस ये बन जाता है ऐसा, और रेक्टेंगल मतलब वो स्क्वायर वाला जाता है, और अगर आप प्लस देखना चाहते हो इसमें तो प्लस कैसा बन जाता है, ये प्लस बन जाता है ऐसा। तो सेम चीज है ना, रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल और स्क्वायर जिसमें आठ लोग हैं तो उसमें सेम रहता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई ये वाला एक प्लस दिख रहा है और ये वाला एक क्रॉस दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले एक एक करके चेक करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, प्लस को चेक कर लेते हैं। इस प्लस को चेक करिए, आपको क्या पता था W के सामने F है, मतलब ये पूरी लाइन आपको खाली दिखनी चाहिए क्योंकि इधर भी आपको W रखना है या F रखना है, या इधर भी W और F, मतलब दोनों तरफ नाम रखना है ना आपको W और F, अभी तक W और F तो हुआ नहीं है, तो दोनों साइड आपको नाम रखना है, मतलब ये पूरी लाइन खाली होनी चाहिए। इस लाइन को देखो प्लस में, इसमें तो डी रखा हुआ है, नहीं रख सकते आप। इस लाइन पे एन और एम रखा हुआ है, नहीं रख सकते आप, मतलब प्लस पे तो आप नहीं रख सकते, तो भाई इसको तो हटा दो। अब क्रॉस को चेक करते हैं, जब हम क्रॉस को चेक करेंगे तो हमको पता है क्रॉस में ये वाली लाइन पे आप नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऐसा आ चुका है, मतलब डेफिनेटली आपके पास सिर्फ यही वाली लाइन बची क्रॉस की, ये वाली। तो इस लाइन पे ही आएंगे आपके कौन कौन, W और F, W और F, है ना। चलो रख देते हैं भाई, अब यहां पर मुझे बताओ कहां पर आप रख सकते हो, क्या गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है, गलत कुछ नहीं हुआ है, सब सही है अभी तक, अभी तक मैंने बताया ही नहीं है आगे, तो गलत गलत क्यों कर देते हो। देखो आपको ये पता चल गया ना कि W और F जो है वो इसी लाइन पर आने वाले हैं, इतना कंफर्म हो गया,
ये चीज समझ में आएगी नहीं भाई कि W और F जो है वो आएंगे तो इसी लाइन पे आएंगे, कौन कहाँ आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले आपको ये पता चल गया कि भाई W F इसी लाइन पे आएंगे। अब ये देखो कि F जो है वो M का नेबर नहीं है, मतलब आप F को यहाँ पर M के नेबर पे नहीं रख सकते, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर W ही आएगा, यहाँ पर F ही आएगा। चलो रख दो भाई, आप लोग तो डायरेक्ट ही रखना, मैं ये समझाने के लिए लिखा था ना ऐसा ऑब्लिक करके, आप लोग को डायरेक्ट ही रखना है, यहाँ पर आप एफ नहीं रख सकते तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या रखोगे W और यहाँ पर F, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको और क्या बोला था भाई, एफ ओ पी ये ऐसे साथ में आने चाहिए, तो भाई इस तरफ तो एफ ओ पी आप ले नहीं सकते, तो इस तरफ तो ले सकते हो ना एफ ओ पी, ये क्वेश्चन सॉल्व। भाई ये दो लोग अंदर देख रहे हैं, बाकी सब बाहर देख रहे हैं, मजा आया कि नहीं भाई? बढ़िया था ना, अब छुट्टी। चलो ठीक है, तो अब जो पजल इसके बच गए हैं वो पजल हम अगली क्लास में करेंगे, इसमें एक या दो पजल और पढ़ाना था मुझे आज, लेकिन अब बच गए हैं तो अब वो बाद में अगली क्लास में करेंगे। एस को आउटसाइड क्यों लिए? अरे भैया अगर आपने यहां पर डी को लिया है, अगर आपने यहां पर डी को लिया है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना कि एस जो है कहां गया कहां गया कहां गया, एस के लेफ्ट में डी, और एस जो है ये आउटसाइड फेस कर रहा है, पता था ना आउटसाइड फेस कर रहा है। कैसे पता था हमको? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था कि M, W और S ये तीनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। ये देखो M एंड W आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज S, तो अगर ये तीनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो इनसाइड तो सिर्फ दो वाले थे ना, तीन लोग इन कैसे हो सकते हैं, मतलब डेफिनेटली ये लोग आउट ही होंगे। तो आउट मतलब कि S आउटसाइड देख रहा है, और अगर S आउटसाइड देख रहा है तो यहां पर आएगा, तभी इसके लेफ्ट में होगा ये डी, क्योंकि इधर रखोगे तो ऐसा लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा ना। पी इनसाइड कैसे? बताया तो था भैया, डी ये वाली कंडीशन को देखो, डी के इमीडिएट लेफ्ट के ऑपोजिट वाले पर्सन के थर्ड टू राइट में एन, तो डी अंदर देख रहा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन के ऑपोजिट के थर्ड टू राइट में एन यहां नहीं आ सकता। अगर आप इसको बाहर दिखाते तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट एन यहां नहीं हो सकता ना भाई, यहां तो डी बैठा है, डेफिनेटली अंदर ही देखेगा, तभी तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट एन को रखोगे। चेक करो ना कंडीशंस को, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए भाई, प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग बता दीजिए भाई, लेना चाहिए कि नहीं प्लस का सब्सक्रिप्शन, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको क्या फायदेमंद है, आपको सीखने को मिल रही है चीजें, अपने हिसाब से बताओ भाई, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं ना, क्या जो आपको लगता है वैसा बताओ, क्योंकि मुझे पता है भाई 10% लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं है, 90% लोग बोलेंगे अच्छा है, क्योंकि भाई जो पढ़ना ही नहीं चाहेगा उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप अगर नहीं पढ़ना चाहोगे, जैसे कि यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं ना लोग, फालतू है, पेड कोर्सेस है, ये है वो है, दुनियादारी, ऐसा लंबे लंबे कमेंट करते हैं भाई, उनको पढ़ना ही नहीं है तो उनके लिए तो सब कुछ बर्बाद ही है ना, जिनको पढ़ना है उनके लिए बर्बाद ही नहीं है, जिनको पढ़ना होता है वो भाई क्या बोले, वो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, वो ये बहाने नहीं बनाते है, ऐसा है वैसा है ये है वो है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठकर भी लोग पढ़ते हैं, घर पे लाइट नहीं होने से लोग छत पर बैठे, एक फोटो आई थी अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा छत पर एक लड़की छाता लेकर ऐसे बैठी हुई और पढ़ रही है। भाई पढ़ने वाले हर जगह पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले तो मतलब कुछ भी कर ले वो बहाने बनाते रहते हैं। फिर प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं है, बेकार है। अच्छा तुम बहुत पढ़ लिए, कितनी क्लासेस देखे थे, कितनी लाइव क्लासेस में आए थे मेरी? एक लड़की ने कल यूट्यूब पे टारगेट के बारे में लिखा था कि टारगेट अच्छा नहीं है, मैंने 800 रुपए अग्नि में फूंक दिए, ऐसा वैसा दुनियादारी। अरे भैया टारगेट ग्रुप से इतने लोगों को फायदा मिला, इतने लोग सिलेक्ट हुए, उस लड़की ने, मैं गारंटी देता हूँ उसने टारगेट बैच का यूज किया ही नहीं होगा, दो दिन चार दिन किया होगा और सोचा होगा ये तो बेकार है। भैया आप पहले ही अगर सोच लोगे ना कोई चीज बेकार है तो फिर वो बेकार ही लगेगी आपको, क्योंकि आप उसको यूज करना ही नहीं चाह रहे थे, इतने लोगों का फायदा हुआ, वो क्या बेवकूफ है? वो लड़की होशियार है? ऐसे लोग आते कहाँ से हैं यार, ऐसे लोग सामने मिले ना तो मतलब मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करूंगा पहले, किस गोले से आए हो भाई, तुम कहाँ से आए हो, हद है इतनी गंदी सोच के लिए। पढ़ाई करिए दोस्तों, पढ़ने लिखने में ध्यान दो, ये सब चीज हाँ मॉस्को वाला हिसाब है, 6 साल बर्बाद, पैसे बर्बाद, मॉस्को वाला हाल है इनका। और बकायदा उन्होंने ऐसा मेंशन किया ना, मैं SBI क्लर्क हूं। अच्छा
बहुत अच्छी बात है भाई, एसबीआई के लड़के। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, आइएगा जरूर, मिस नहीं करिएगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स भी आते हैं तो उनको बताना जरूरी है। इसकी जो फीस होती है दोस्तों, ये ईयरली हिसाब से होती है, 1 ईयर, 2 ईयर, मंथ हिसाब से, ईयर हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज के पैसे नहीं देने होते। जैसे आप लोगों ने ज्यादातर चीजें देखी होगी कि SBI का कोर्स आया उसका पैसे दे रहे हैं, IBPS का कोर्स आया उसके पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पर आप 1 ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो 6,000 रुपीज इसकी फीस है, इसकी 2 साल का अगर लेते हो तो 7,200 इसकी फीस है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बिगिनर्स को ही रिकमेंड करूंगा, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला ठीक है, 1 ईयर वाला। इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोड आपको ये इस्तेमाल करना है, BC10 या फिर AL10। देखो, जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वही रुको, बाकी लोग जाओ अपना पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये 5400 में 1 साल तक अनलिमिटेड जितने भी बैचेस आएंगे, हर महीने एक बैच स्टार्ट होता ही है, और हर 2 महीने में एक मेंस का बैच स्टार्ट होता है। तो प्री के बैचेस, मेंस के बैचेस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और इंग्लिश और क्या, जीके, चारों सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। 50 से ज्यादा टीचर्स हैं, आप किसी की भी क्लासेस देखो, वो आपकी चॉइस है। इसमें ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ आपका कोर्स मिलेगा क्या, नहीं, आपको, आप कोर्स का फीस ही नहीं दे रहे हो ना, तो सिर्फ आपका कोर्स मिलेगा क्या वाली बात ही नहीं होती है। आप यहाँ पर कोर्स की फीस दे ही नहीं रहे हो, आप फीस दे रहे हो टाइम की, कि आप कितने टाइम तक देखना चाहते हो, 1 साल 2 साल, यही मैं रिकमेंड करता हूँ। इससे कम पे आप जाना चाहो तो 6 मंथ का भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, 600-700 रुपए का ही डिफरेंस पड़ता है, 700-800 तक का डिफरेंस आपको पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है। 800 रुपए में 1 साल, मतलब 6 महीने आपको ज्यादा मिलते हैं। बाकी आप चाहो तो आपकी मर्जी, आप 6 मंथ का भी ले सकते हो, इससे कम का लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने में आप कोर्सेस ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे कोई से भी। तो ऑलरेडी मेरे अभी 2-3 बैचेस चल रहे हैं, एक DI वाला बैच चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं खासकर उनके लिए। 100 DI वाला बैच अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखो, आप किसी को भी फॉलो करते हो लेकिन ये 100 DI बैच जरूर देखना, क्योंकि आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे, परसेंटेज और रेशियो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा आपके पूरे अपने बैंकिंग के प्रिपरेशन में। और ये परसेंटेज और रेशियो के जो कंसेप्ट होते हैं, वो DI से बेस्ट और कहीं पर आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि DI में पूरा का पूरा परसेंटेज और रेशियो का ही कंसेप्ट होता है। क्लासेस मिस ना करिए कभी भी, बिल्कुल भी, ठीक है। EMI आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास दोस्तों अभी 12:30 बजे है, बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बैंकिंग क्रॉनिकल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर मैं लिंक दे देता हूं। तो बैंकिंग क्रॉनिकल ये आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 43,000 इसमें मेंबर्स हैं। और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। टारगेट बैच अभी बंद है, कुछ दिनों बाद ओपन होगा, जब ओपन होगा तब मैं बताऊंगा, इसी चैनल पर मैं बताऊंगा जब ओपन होगा तो। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अच्छा, कल की क्लास दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कल की क्लास कल कितने बजे रखे, 10 बजे रख लूँ कल क्लास, सुबह 10 से 11, सुबह सुबह ही रखना चाहता हूँ मैं, रात को तो क्योंकि नेट वेट नहीं चलता काफी लोगों का। चलिए, तो कल का भी टाइमिंग ऐसे ही रखते हैं, कुछ 10 से 11 और 11:15 से, वही जैसा आज का था बिल्कुल वैसा ही टाइम रख लेते हैं, 11:15 तक, 11:15 से 12:15, 10 से 11, 11:15 से 12:15, कल का भी टाइमिंग यही रखेंगे, ठीक है। या फिर एक ही क्लास ले लूंगा, कल संडे है तो देखते हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर फैमिली वाले बोलेंगे भाई थोड़ा टाइम हमको भी दे दिया करो तो फिर एक ही क्लास लूंगा, और अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो चुपचाप से 2 क्लास लॉन्च कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।